ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमारी गहन तपस्या का दिवस, आज के दिवस को हमें यादगार बनाना है और सारे संसार के लिए इस दिन को हमें समर्पित कर देना है। आज सारे संसार में हम सारा दिन ही सकास देंगे, क्योंकि संसार को हमारी सकास की बहुत बहुत जरूरत है। तो अपने महान कर्तव्यों को सदा ही याद रखें कि हमारा तो जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है, और जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं, हम अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकाएंगे नहीं, क्योंकि ये काम तो हम जन्म जन्म करते आए। लगाव झुकाव इसमें तो आत्मा सदा ही रही है, अब हमें इन सब से परे होकर स्वयं को बेहद के वैराग्य की स्थिति में स्थित कर देना है, क्योंकि जब तक बेहद का वैराग्य नहीं हुआ तब तक हम सारे संसार को सकास नहीं दे सकते। याद रखेंगे इस विश्व को हमारी सकास की बहुत बहुत आवश्यकता है। हम ही यदि मनुष्यों का दुख दूर नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा। सारा संसार हमारी ओर प्यासी नजरों से निहार रहा है, हमने जन्म जन्म भी उनकी भावनाओं को पूर्ण किया है, हमारी जड़मूर्तियों ने भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, सबके दुख हरे हैं, उन्हें शांति दी है, उनकी समस्याओं का हल किया है। तो प्रैक्टिकल में इस समय भी हम सभी को सकास देकर उनकी भावनाओं को पूर्ण करेंगे, उनके दुखों को दूर करेंगे। तो आइए आज के इस दिन को हम वैराग्य दिवस के रूप में मनाएं, और इसमें हम याद रखें कि ये सृष्टि का खेल, ये 5000 वर्ष का खेल, 84 जन्म हमारे पूर्ण हुए, अब हमें सब कुछ छोड़ कर वापिस जाना है। एक महान लक्ष्य हमारे सामने है, हमें संपन्न बनना है और भरपूर होकर सारे संसार को वाइब्रेशंस देने हैं, इसलिए हम कहीं भी अटकेंगे नहीं। बिल्कुल संकल्प कर दें कि जो लक्ष्य हमें मिला है संपूर्ण बनने का, फरिश्ता बनने का, उससे हम इधर उधर तब तक नहीं होंगे जब तक हम उसे प्राप्त न कर लें। सारा संसार कहीं न कहीं लगाव में अटका हुआ है, कहीं मनुष्यों से लगाव तो कहीं साधनों से, वैभवों से, प्रकृति की वस्तुओं से लगाव। इन लगाव ने मनुष्य को बहुत दुखी किया हुआ है। हमें स्वयं को लगाव से मुक्त रखना है। जितना हम लगाव से मुक्त रहेंगे उतना ही हम विश्व कल्याण का महान कार्य कर सकेंगे, क्योंकि कहीं भी हमारा लगाव होगा तो हमारी बहुत सारी एनर्जी उधर ही जाती रहेगी, हम विश्व कल्याण के कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज सारा दिन गहन तपस्या में व्यतीत करना है, सवेरे से ही सामने ग्लोब को देखते हुए उसको निरंतर सकास देना है, और अपने इस परम कर्तव्य को याद रखना है, मुझे आज सबके कष्ट हरने हैं। सवेरे सवेरे बाबा को जो कुछ उसने हमें प्राप्त कराया है उन प्राप्तियों को स्मृति में लाएंगे, अपने को नशे में ले चलेंगे और बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करेंगे। फिर दिन में दोपहर तक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं बात समान हूँ,
और परम धाम में बाबा के पास जाकर बैठ जाएंगे और देखेंगे जैसे बाबा सबको प्रकाश दे रहे हैं, जैसे उनकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, वैसे ही हम भी सबको प्रकाश दे रहे हैं। मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मुझसे भी किरणें निकलकर सारे संसार पर पड़ रही हैं। मैं बाप समान हूँ, मेरी भावनाएं बाप समान, मेरी दृष्टि भाव बाप समान, मेरी वृत्ति बाप समान, मेरा समर्पण भाव भी ब्रह्मा बाबा के समान। दोपहर तक इसका आनंद लेंगे और बीच में जो समय मिलेगा 1 से 4 साढ़े 4 तक का, उसमें स्वयं को विजुलाइज करेंगे। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, ये देह बिल्कुल अलग है। और कभी अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूँ और श्याम के समय संपूर्ण रूप से फरिश्ते स्वरूप में स्थित होंगे, अपने को देखेंगे, मैं तो लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ और भिन्न भिन्न नगरों के ऊपर जाकर सबको सकाश देंगे, बाबा से किरणें लेकर सबको देंगे, फील करेंगे मैं इस सिटी के ऊपर हूँ और बाबा की किरणें मुझ पर पड़कर नीचे सारे सिटी के निवासियों पर जा रही हैं। संकल्प करेंगे सबके दुख दूर हों, सबको सुख शांति मिले। और फिर रात को बाबा को पुनः शुक्रिया करते हुए उससे सूक्ष्म लोक में दृष्टि लेकर सारे संसार को देंगे और बाबा से गुड नाइट करेंगे। तो आज के दिन को इस तरह हम तपस्या दिवस मनाएंगे। ओम शांति।